This conference will Equity. now be recorded. एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस ये हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर हम इनको ये भी कहते हैं, सॉरी, अरे यार, ग्रुप ग्रुप फंक्शन, ग्रुप FUNCTIION, ग्रुप फंक्शंस, ठीक है। अब ये होते क्या हैं और ग्रुप क्यों कहते हैं? एग्रीगेट का मतलब भी क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब समझते हो कि जैसे आपके सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअल मार्क्स है ना, और हमने कहा कि भाई पीसीएम का एग्रीगेट बताओ, तो आपको केवल पीसीएम की परसेंटेज निकालनी, दैट मींस एग्रीगेट, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा ही करते हैं, ये फंक्शन भी। जैसे पहला एक फंक्शन है, मैं लिखता हूं काउंट, ठीक है, काउंट एक फंक्शन है। तो ये जो काउंट फंक्शन है, ये हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा से ये क्या करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, ठीक है, क्या करता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। ये कुछ ऐसे यूज है, स्टार का मतलब ऑल, ऑल रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। और काउंट फंक्शन हमारी दो तरह की फॉर्म्स यूज करता है, जैसे काउंट फील्ड नेम, फील्ड नेम, ठीक है, फील्ड नेम, लेट मी राइट आईडी नेम एंड एज, लेट मी राइट, ठीक है, एंड आई हैव सम डेटा हियर, व्हाट इज डेटा, 101, नेम इज अरुण, एज इज 30 सपोज, 102, नेम इज अमन, एज इज 25, 103, ए नेम इज राहुल, एज इज 40, 104, नेम इज रोहित, एज इज 34, ठीक है, लाइक दिस, एंड 105, नेम में मेरा नल है एंड एज हमारी है 20, लाइक दिस, ठीक है। तो आई हैव सम डेटा, अब क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ डेटा है एंड अभी मैं इस डेटा को यूज करना चाहता हूँ, इसे इसको मैं या अप्लाई करना चाहता हूँ। तो बच्चों, अगर मैं काउंट स्टार करूंगा, है ना, काउंट स्टार, इस पर मैं अगर अप्लाई करूंगा तो क्या करेगा, कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5, हमें ये रिजल्टेंट क्या करेगा, ग्रुप करके कि सारा रिकॉर्ड काउंट करेगा, और ग्रुप करके हमें रिटर्न क्या कर देगा, 5, कि भाई आपके पास जो फील्ड्स हैं वो 5 है ना, मतलब रिकॉर्ड, अगर मैं स्टार काउंट इस टेबल पे अप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर मैं काउंट फील्ड नेम, यानी कि अगर मैं कुछ अप्लाई करता हूँ काउंट काउंट और इसमें डाल देता हूँ सपोज मैं आईडी, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ये रिटर्न करेगा हमें 5। लेकिन लेकिन अगर यहां पर मैं डाल दूं नेम, क्या डालूं, नेम, इन दैट सिचुएशन इट विल रिटर्न ओनली 4। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि द कॉलम और रिकॉर्ड हैविंग नल वैल्यू ये उसको काउंट नहीं करता। हाँ, अगर मैं एज पे काउंट करूं तब 5 दिखाएगा, आईडी पे काम काउंट करूं तब भी 5 दिखाएगा, लेकिन अगर मैं नेम यहां पर डाल दूं, यानी कि फील्ड का नेम हमारा क्या है, नेम, या एस नेम मैं मान लेता हूं, या एम्प्लॉय नेम में मान लेता हूं, ई नेम, मैं अगर मैं फील्ड नेम यहां पर ई नेम पर काउंट लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें ओनली 4। क्यों? क्योंकि वन वन कॉलम हैविंग ए नल वैल्यू, और ये नल को काउंट नहीं करेगा तो रिटर्न क्या करेगा हमें, 4, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट वन वी हैव सम। सम फंक्शन क्या करता है, यहां पर भी हमें फील्ड बताना होगा कि आप ये फंक्शन किस फील्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं, FIELD फील्ड नेम आपको बताना होगा। सपोज आई वॉन्ट टू अप्लाई ऑन एज, और आई वॉन्ट टू एज, तो मैंने क्या किया भाई, एज पर सम अप्लाई कर दिया, तो क्या करेगा,
इन सारी एजेस को, और शुड आई से वन मोर कॉलम आई हैव मे बी सैलरी, ठीक है, एंड सैलरी लाइक 30,000, सॉरी 45,000, 40,000, 50,000 एंड 20,000, ठीक है, दिस इज लाइक व्हाट। तो अब हमारे पास ये कुछ डेटा है, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे को ये पता चले कि पूरे महीने में कितनी सैलरी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। सपोज लेट सपोज दिस इज वन AAE ऑर्गेनाइजेशन, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज AAE, तो इस पूरे महीने में या सारे एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पेड होती है ये मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम सैलरी पर मैंने ये डाल दिया, इस फील्ड की जगह क्या डाल दिया, फील्ड नेम की जगह सैलरी, तो मुझे इस पूरे कॉलम के अंदर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उन सबका सम शो कर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एवरेज, ठीक है, हियर ऑल्सो फील्ड नेम, राइट, इन दैट केस सम फंक्शन क्या कर रहा है कि भाई कितनी सैलरी जा रही है पता चल रहा है। अगर मुझे अब किसी की 30 है, किसी की 45 है, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 20 है, मुझे ये चेक करना है कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी, है ना, व्हाट इज द एवरेज सैलरी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एवरेज पर अप्लाई कर एवरेज फंक्शन लगा सकता हूं और उसके अंदर डाल सकता हूं सैलरी, तो मुझे ये बता देगा कि क्या एवरेज सैलरी है, या मुझे देखना है कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं वो लगभग एवरेज एज क्या है, जैसे कुछ 40 हैं, कुछ 30 हैं, कुछ 25 है, कुछ 34 है, कुछ 20 है, तो एवरेज एज क्या ग्रुप है हमारे यहाँ पर, मुझे ये एवरेज चेक करना है। तो मैं एवरेज फंक्शन यूज करूंगा और उसके अंदर डाल दूंगा एज, तो मुझे एवरेज एज मिल जाएगी, ठीक है। एंड वन अनदर फंक्शन आई हैव these are the both same, two forms are there, one another function I have min, and here also need to provide field name. So min function kya karta hai ki simple si baat hai, min jaisa ki naam hai, ye kisi bhi column se uski min value nikal ke dega, aur aise ek hamare paas function hai max, ye kisi bhi column se hame uski max value nikal kar dega, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया इन मेन और मैक्स फंक्शन के आपको समझ में आ गए होंगे। लाइक सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं मुझे निकालने हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके हैं वो मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मेन एंड मैक्स मार्क्स, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो एग्रीगेट फंक्शन है वो है, ये तो एक की ग्रुप है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, और इन 5 एग्रीगेट फंक्शन को तो हम इंडिविजुअल यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और कमांड यूज होती है, और क्लॉज यूज होती है, ग्रुप, GROUP, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। क्या क्या यूज होती है, ग्रुप बाय क्लॉज, तो इस ग्रुप बाय क्लॉज को हम यूज कर सकते हैं और अपना डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय कैसे अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें ये एग्रीगेट फंक्शन को समझना होगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कर देता हूं मैं मिनिमाइज, लेट मी चेक यूज लर्न। सो फर्स्ट टाइम टेलिंग यू शो टेबल्स, आई एम नॉट रिमेंबर द टेबल्स नेम, ओके, बुक, एजुकेटर, स्टूडेंट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ओके। लेट मी चेक एसटीयू क्या है इसके अंदर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, let me check. Okay, wow, lots of data is here. That's good. ये हमारी टेबल काम कर जाएगी, ठीक है। अब बच्चों मेरे को क्या है, ये मेरे पास डेटा है ना, इस पे हमारे काफी फंक्शंस काम कर जाएंगे, है ना। तो ये मेरे पास डेटा है, मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा, मैं चाहता हूँ कि भाई कितने नंबर, कितना डेटा मेरे इस टेबल के पास है, मतलब कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स
इन माई टेबल, या मैं यही देखना चाहता हूँ कि वॉट इज द स्ट्रेंथ इन माई ऑर्गेनाइजेशन, इन माई बैच, ये मेरे पास स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ स्टूडेंट चाहिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि भाई सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट सेलेक्ट काउंट काउंट, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बात काम लिखना होगा काउंट, सेलेक्ट काउंट फील्ड की जगह काउंट फ्रॉम STU। STU, सॉरी, या तो देखिए इसने क्या किया, काउंट स्टार, इस फील्ड को एज ए नाम दे दिया काउंट स्टार और 13, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से इस फील्ड का नाम दूं, देखो बड़ा आसान है, बस यहां पे लिखना है एज एज, और जो भी आप लिखना चाहें, मैंने लिख दिया यहां पे टोटल, कैसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ STUDENTS स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट मी राइट, या आई नीड टू राइट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर, नाउ आई कैन एंटर। देखिए फील्ड का नाम क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13, आप स्पेस नहीं दे सकते फील्ड के नाम में, तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 13। अब देखिए काउंट की जगह यहां पे क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप जो भी यहां पे लिखेंगे, जो भी यहां पे लिखेंगे, आपने लिख दिया टोटल स्टूडेंट्स, तो ये टोटल स्टूडेंट फील्ड का नाम क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, फील्ड का नाम क्या रहा है, टोटल स्टूडेंट्स, और यहां पर कितना आ रहा है 13, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन यूज काउंट फंक्शन, है ना, सिंपली। और काउंट फंक्शन के साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे हम एक 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 अल्टरनेट नेम अपने फील्ड को, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ए एज, एज के बाद जो हम एक नया नाम लिखते हैं इसको हम कहते हैं अल्टरनेट नेम। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज एज, एज इज ए कीवर्ड, और यहाँ पर आप जो भी नाम लिख रहे हैं ये एक अल्टरनेट नेम है, ऐसा नहीं है कि ये नाम हमारा सेव हो जाएगा, ये तो सिर्फ डिस्प्ले होते समय आप ये जो आउटपुट हमें निकल रहा है उसका एक अल्टरनेट नेम दे सकते हैं। अच्छा एक चीज और देख रहे हो बच्चों, ये जो काउंट फंक्शन है ये सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहा है, कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, सिंगल, तो ये जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है ये ग्रुप करके, इसलिए इनका नाम ग्रुप रखा गया या एग्रीगेट रखा गया, ये सारे डेटा को ग्रुप करके जो भी आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट देते हो उस रिक्वायरमेंट पे ये काम कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं एक बार कि सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, अरे यार फ्रॉम STU, तो मेरे पास है ये डेटा एंड आई वॉन्ट टू काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज पर नेम, एज पर अ फील्ड नेम, तो मैंने लिखा सेलेक्ट 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 काउंट काउंट एंड आई एम प्रोवाइडिंग फील्ड नेम एंड यू नो दैट कि यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो ये अभी भी हमें 13 ही दिखाएगा जैसे कि पहले दिखा रहा था, है ना। तो मैंने भी यहाँ पे अल्टरनेट नेम नहीं दिया, तो उसने वही जो फंक्शन का नाम था वही दे दिया है, अल्टरनेट नेम में दे देता, ठीक है, तो या TS या टोटल स्टूडेंट मैंने ऐसे ही दे दिया एस TS, TS मतलब टोटल स्टूडेंट, तो आप देखिए यहाँ पर उसने TS 13 कर दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या कोई अल्टरनेट नेम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, अगर नहीं देंगे तो जो फंक्शन का नाम है वही फंक्शन यहाँ पर आपको एज ए हेडिंग एज ए कॉलम नेम यहाँ पर वो आ जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, काउंट फंक्शन हमारा पूरा हो चुका है, लेट मी यूज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है काउंट हो गया हमारा, मुझे करना है सम, ठीक है, सम करना कि टोटल परसेंटेज कितनी मिली, लाइक दिस टोटल परसेंटेज कितनी मिली, ये सम करना है बस। तो वैसे इसके लिए अगर हम कोई और देखें, हमारे पास कोई और टेबल सेलेक्ट, एक तो थी डी शो टेबल्स, चलिए इसको मिन और मैक्स तो अप्लाई कर लेते हैं, एवरेज भी अप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मेरे पास ये परसेंटेज है, मुझे देखनी है एवरेज परसेंटेज कौन सी है, एवरेज परसेंटेज कितनी मिली है बच्चे को, ठीक है। मैंने लिखा सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट AVG एंड AVG फील्ड का नाम क्या है, परसेंटेज PER
C E N T A G E परसेंटेज एंड फ्रॉम फ्रॉम एस टी यू है. इफ आई रन एवरेज परसेंटेज जो है वो है 91.3846, यानी कि 90 है 99 90 98 90 100. अगर इन सबको एवरेज परसेंटेज निकाली जाए तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए इन सब का सम करो और जितने भी ये जितने को आपने सम किया उसके नंबर से हम उसे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज हमें मास मिल जाता है. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक फिक्स फंक्शन है एवरेज नाम का, आप उससे इसको कर सकते हो. माई रिक्वायरमेंट इज कि भाई मुझे ये देखने है कि सबसे मैक्स परसेंटेज किसकी है और सबसे मिन मिन परसेंटेज किसकी है. ऐसा नहीं कि आप एक साथ एक ही फंक्शन यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा फंक्शन भी यूज कर सकते हो. एंड पी ई आर सी ई एन टी ए जी ई परसेंटेज कितनी है और एवरेज परसेंटेज कितनी मिली है. वैसे तो हमें भी कर चुके हैं बट कर लेते हैं सी ई एन टी ए जी ई. अब बच्चों यहां पर आपको मिलेंगे थ्री कॉलम्स और थ्री कॉलम्स के अंदर मैक्स परसेंटेज 100 है, मिन परसेंटेज 17 है और एवरेज परसेंटेज कितनी है 91.3846. ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट. यू कैन यूज मल्टीपल कॉलम्स एट द सेम टाइम एज वेल एंड यू कैन लाइक दिस मल्टीपल फंक्शंस एट ए टाइम, बट आपको आउटपुट हमेशा ग्रुप्ड होके मिलेगा. ठीक है बच्चों, दिस इज द थिंग. तो हमारा एवरेज हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया और क्या बचा. एनीथिंग लेफ्ट, एक दो तीन और काउंट हो गया, सम रह गया. क्या सम फंक्शन इज लेफ्ट. तो देखते हैं किसी टेबल में एक सम के लिए शो टेबल्स. सम इसमें भी कर सकते हैं, हम सबका सम ले लें बट थोड़ा ऐसा मजा सा नहीं आएगा ना. बुक को देखते हैं, शायद बुक का प्राइस हमने डाला था ना. बुक्स S E L E C T select star from book. या सपोज मुझे ये सारी बुक खरीदनी है. मैंने शॉपकीपर को बोला कि भाई मेरे को IP भी चाहिए, मेरे को फिजिक्स भी चाहिए, मेरे को केमिस्ट्री भी चाहिए, मेरे को बायो भी चाहिए, मेरे को ये सारी बुक चाहिए. ठीक है, sometime my requirement. ओके, या मेरे को ये सारी बुक चाहिए. सारी बुक ले ली, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब शॉपकीपर मुझे पैसे बता रहा है तो टोटल प्राइस कितना होगा मुझे चेक करना. ठीक है, ये चेक करना है टोटल प्राइस कितना होगा. तो कैसे करेंगे, सम करना है मुझे, है ना. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नो सेलेक्ट सम, सम और सम किस फील्ड का करना है, प्राइस का. प्राइस फ्रॉम बुक. ओके, तो मुझे टोटल जो अमाउंट पेड करना है ये सारे सिलेबस के लिए वो करना है मात्र 1800 रुपए. ठीक है, 1800 रुपीज आई नीड टू पे टू फॉर दिस बुक्स ओनली. ठीक है, सो बाय दिस आई कंप्लीटेड एग्रीगेट फंक्शन कंसेप्ट ओनली एंड हाउ टू यूज विद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय. ओके, तो वो कैसे करना है उस पर मैं आपको एक दिखाता हूँ. तो एक हमारे पास टेबल थी सेलेक्ट, मैं देख लेता हूँ किस पर बहुत बेटरली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EDUCATOR educator. Yeah, it's good. ठीक है. Well, my requirement is कि मुझे qualification में group चाहिए. ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि MCA में कितने लोग registered हुए, PhD के कितने student हैं, BCA के कितने हैं, M.Tech के कितने हैं और PhD के कितने हैं. मुझे ये ग्रुप में चाहिए कि भाई PhD के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट इतने हैं, BCA के टोटल नंबर ऑफ काउंट इतने हैं. तो मतलब मुझे क्लास वाइज ग्रुप चाहिए. मेरे पास एक डेटाबेस है मुझे, लेकिन इंडिविजुअल क्लास वाइज चाहिए. ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं और एक स्टूडेंट टेबल पे भी ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, मैंने लिखा सेलेक्ट सेलेक्ट. ठीक है, फ्रॉम, अभी देखो बीच की चीज लिखेंगे, फ्रॉम 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 एडुकेटर, EDUCATOR एडुकेटर. अब ग्रुप ग्रुप किस पे चाहिए आपको. सर ग्रुप मुझे बनवाना है क्वालिफिकेशन वाइज, नेम वाइज नहीं, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप चाहिए. ठीक है, तो ग्रुप बाय आपने कर दिया, फील्ड का नाम क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION. ठीक है, इतना डन कि मुझे ग्रुप जो चाहिए वो क्वालिफिकेशन वाइज चाहिए. ठीक है, या
सर या टेल मी। तो क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग गलत है। ओके फाइन, QUA, या QUALIFICD, राइट नाउ इट्स ओके। ओके तो अब हमने क्या करना है कि ग्रुप बाई कैसे करना है, मेरे को क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप बाई करना है, ठीक है, कि भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से ग्रुप बने। तो बच्चों जिस बेस पर आप यहां पर ग्रुप करते हो, है ना, और ग्रुप बाई तो आपने कर दिया, तो आप कैसे करोगे कि PhD के 2 बच्चे हैं, MTech के 2 स्टूडेंट्स हैं, MCA का 1 है, BCA का 1, ऐसे तो करोगे। तो अल्टीमेटली कौन सा फंक्शन यूज होगा बताओ, काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट स्टार, कौन सा फंक्शन यूज होगा, टेल मी कौन सा फंक्शन यूज होना चाहिए क्वालिफिकेशन के हमें ग्रुप बनाने, है ना, कि किस किस क्वालिफिकेशन में कौन सा बच्चा एनरोल है, तो कौन सा फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करना होगा, काउंट। यशु ने बताया काउंट, एब्सोल्युटली राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट के बाद लिखेंगे हम एग्रीगेट फंक्शन का नाम, और किस फंक्शन किस फील्ड के बेस पर चाहिए, क्वालिफिकेशन फील्ड के बेस पर चाहिए, तो QUALIFICATION क्वालिफिकेशन के बेस पर चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि सर काउंट तो आ गया लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा ना कि किस किस वन किसका काउंट है, टू किसका काउंट है, वन किसका काउंट है, टू किसका काउंट है, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पता है तो बच्चों जिस ग्रुप बाई के साथ जो भी आप फील्ड का नाम लिखते हैं उसको आप काउंट से पहले या काउंट के बाद कहीं पर भी उस फील्ड को लिख सकते हैं, कोई दूसरा फील्ड नहीं लिख सकते। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिस बिहाफ पर, जिसके बेस पर आप ग्रुप बना रहे हैं, केवल उसी फील्ड को आप यहां पर लिख सकते हैं। एंड यू कैन चेक द चेंजेस, नीड टू अप्लाई कॉमा एंड एंटर। नाउ क्लियरिटी आई कि BCA में रजिस्टर्ड स्टूडेंट 1 है, MTech का 2 है, MCA का 1 है, PhD के 2 है, सॉरी नॉट स्टूडेंट, एडुकेटर की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो BCA के साथ जो रजिस्टर्ड मेरे एडुकेटर हैं, जो BCA का पढ़े लिखे हैं, वो क्वालिफिकेशन के साथ हैं, वो 1 है, MTech के साथ 2 है, MCA के साथ 1 है और PhD के साथ 2 है, राइट। तो समझ में आया, सेलेक्ट। अब एक और करते हैं, इसी पर हम इस पर नहीं करते, एक और दूसरे पे करते हैं, सेलेक्ट, सेम कमांड में करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU। देखो कंसेप्ट समझो, रटना कुछ भी नहीं है इसमें, कंसेप्ट समझना है। अब देखो दोबारा करते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लास वाइज ग्रुप चाहिए, है मुझे क्लास, मुझे नंबर काउंट करने हैं, कैसे, कि भाई 12th के कितने बच्चे हैं, देखो वही वाली बात है, 11th के कितने बच्चे और 10th के कितने बच्चे, मुझे ये चाहिए। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम, देखो ऐसे लिखते हैं इसको ना, फ्रॉम ST, नहीं हाँ STU, ग्रुप बाई, ग्रुप ग्रुप बाई क्या, किसके हिसाब से, सही है, क्लास के हिसाब से, ठीक है सर, क्लास के हिसाब से हो गया। तो क्लास के नाम भी तो चाहिए होंगे, उस फील्ड का नाम भी तो चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास, और क्या करना है उनको, काउंट करना है, तो काउंट क्लास खत्म, काउंट क्लास खत्म, बस इतना ही करना है। 10th के 5 हैं, 11th के 3 हैं, 12th के 5 हैं। अब इसमें एक और चीज यूज करते हैं कि सर मुझे ना ये बच्चों का जो ऑर्डर चाहिए, डेटा का काउंट तो दे दो आप मुझे, लेकिन मुझे ऑर्डर बाय ऑर्डर चाहिए, मुझे ऑर्डर बाय चाहिए DESC, डेफिनेटली ओ ऑर्डर, क्लास ऑर्डर क्या था, ऑर्डर ऑर्डर था ना, मे बी क्या ग्रुप बाय क्लास कॉमा कॉमा ऑर्डर बाय, नो व्हाट इज द कीवर्ड,
मे बी सम इशू क्या कह रहा है, यू हैव एन इंजीनियर स्टूडेंट्स मैनुअल स्टूडेंट्स माय एसक्यूएल सर्वर मे बी समथिंग मिस्टेक ना, ग्रुप बाय क्लास ऑर्डर बाय डीएससी डीईएससी डिस नहीं डिसेंडिंग एएससी डीईएससी एएससी डीएसटी डीएस नहीं समथिंग इज रॉन्ग DESC होता है एंड एवरीथिंग इज राइट ऑर्डर बाय मे बी सम मिस्टेक एक्चुअली। चलो ओके इसको अपन कर लेंगे, मे बी समथिंग इज मिसिंग। ओ आर यार ऑर्डर बाय क्लास, आई थिंक फील्ड का नाम मैं भूल रहा हूँ, ऑर्डर बाई क्लास और मुझे चाहिए DESC, मे बी दिस शुड बी राइट। ओके मे बी ऑर्डर बाई क्लास, या गॉट इट। सो द फाइनली आई एम राइटिंग वेरी फ्रेश, आई फॉरगेट द फील्ड नेम, आई एम एक्चुअली नॉट राइटिंग द फील्ड नेम हियर। तो क्या हुआ देखो बच्चों कि सेलेक्ट क्लास काउंट फ्रॉम एसटीयू ग्रुप बाई क्लास, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन क्लास का भी ग्रुप मुझे कैसे चाहिए, किसके बिहाफ पर चाहिए, कि सर ऑर्डर बाय क्लास, ऑर्डर बाय क्लास और डीईएससी है ना, ऑर्डर बाय क्लास डीईएससी। तो हमने क्या किया कि क्लास डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, क्लास के हिसाब से, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लास के हिसाब से, ठीक है। तो हमने यहां पर लगा दिया डीईएससी क्लास, तो हमें क्लास के हिसाब से ये मिल गया, समझ में आया। तो सबसे पहले 10th आ रही है, फिर 11th, फिर 12th आ रही है, फिर 11th, 10th आ रही है, और अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर आता है, तो 10th पहले आ रहा है, 11th पहले बाद में आ रहा है, फिर 12th आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। ओके लेट मी डू वन थिंग मोर, सेलेक्ट स्टार, एक बार डेटा देखते हैं और मैं नई कमांड में आपको बताता हूं, एसटीयू, ठीक है। अब मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे क्लास वाइज परसेंटेज चाहिए, ठीक है, क्लास वाइज मुझे हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए, क्लास वाइज, समझ में आ रहा है, क्लास वाइज क्या चाहिए मुझे, हाईएस्ट परसेंटेज, कि 12th क्लास में सबसे हाई परसेंटेज बताओ, 12th क्लास की सबसे मिन परसेंटेज बताओ, 11th की सबसे हाई परसेंटेज बताओ, 11th की सबसे मिन परसेंटेज, और सेम 10th के लिए। दिस इज माय क्वेश्चन, गेटिंग, दिस इज माय क्वेश्चन। तो क्या लिखें, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, नहीं स्टार बाद में लिखेंगे, फ्रॉम एसटीयू, ठीक है, ग्रुप बाय GROUP, ग्रुप बाय क्लास, क्योंकि क्लास वाइज चाहिए तो ग्रुप तो क्लास का बनेगा, ठीक है। और लेकिन चाहिए क्या, ग्रुप तो क्लास का बन गया, ठीक है, चलो क्लास लिख दिया, ग्रुप तो क्लास का बन गया, लेकिन चाहिए क्या, चाहिए मुझे मिन परसेंटेज, किसकी चाहिए, परसेंटेज, PERCENTAGE, मिन परसेंटेज, एंड मैक्स परसेंटेज, PERCENTAGE परसेंटेज फ्रॉम एसटीयू, ठीक है। तो देखिए 10th क्लास में मिन परसेंटेज है 70 और मैक्स परसेंटेज है 99, 11th में मिन परसेंटेज है 76 और मैक्स परसेंटेज है 100, ठीक है, 12th में मिन परसेंटेज है 10 और मैक्स परसेंटेज है 99, एंड इन द सेम वे आई वांट द एवरेज परसेंटेज आल्सो, सो AVG एंड PERCENTAGE परसेंटेज, एंड इट्स स्पेलिंग मिस्टेक, PERCENTA, सही तो है, PER सही है, CENTO, या TAGE परसेंटेज, या तो देखिए एवरेज परसेंटेज 10th की इतनी है, 11th की इतनी है और 12th की इतनी है, सो दिस इज द वे यू कैन एक्सेस फ्रॉम द डेटाबेस लाइक दिस। ओके माय अदर रिक्वायरमेंट इज
टोटल नंबर ऑफ ईच स्ट्रीम हमने ग्रुप बाई कर लिया, टोटल परसेंटेज ऑफ ईच स्ट्रीम, ठीक है। अब मुझे ना एक और चाहिए, एक और चीज छोटी सी, ठीक है। सो इट इज द थिंग बेस्ड ऑन, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट, अरे यार एसटीयू, सॉरी, ठीक है एसटीयू, दिस इज नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कि मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि इधर मुझे परसेंटेज चाहिए, है ना, मिन भी चाहिए मैक्स भी चाहिए, लेकिन टेंथ और ट्वेल्थ की चाहिए, इलेवेंथ की नहीं चाहिए। अब आगे बच्चों इसमें कंडीशन समझ रहे हो, अब क्या गई कंडीशन, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ये वाला है, मिन मिन परसेंटेज भी चाहिए, मैक्स परसेंटेज भी चाहिए और क्लास वाइज ग्रुप भी चाहिए, लेकिन लेकिन किसकी चाहिए, टेंथ और ट्वेल्थ की, तो क्या लिखेंगे, हैविंग 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 क्लास, हैविंग क्लास, हैविंग क्लास इक्वल टू इलेवेंथ एंड क्लास इक्वल टू ट्वेल्थ, और सॉरी नॉट एंड और या डन, दो मैंने लगा दिए इस वजह से एरर आया, बाकी दिस इज वन, तो सब कुछ चाहिए और क्या लिख, अच्छा 11 12 लिख दिया, सॉरी 10th और 12th चाहिए था ना वो, चलो कोई बात नहीं, क्लास की मिस्टेक, या इट इज डन नाउ। तो 10th क्लास की मिन परसेंटेज, 10th क्लास की मैक्स परसेंटेज और 88 मिन एंड ये सब कुछ निकल के आया, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या था, हैविंग, हैविंग क्लॉज का क्या कांसेप्ट है सर, द क्वेश्चन इज हैविंग क्लॉज का क्या कांसेप्ट है। बच्चों जब भी आप और ग्रुप बाई के साथ कोई कंडीशन देना चाहते हैं, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, ग्रुप बाई के साथ जब भी कोई आप कंडीशन देना चाहते हैं तो आपको कंडीशन देने के लिए यूज करना पड़ेगा हैविंग, क्योंकि हैविंग से भी कंडीशन देते हैं और वेयर से भी कंडीशन देते हैं, वाई वी आर नॉट यूजिंग वेयर। तो बच्चों वेयर जो है वो ग्रुप पर काम नहीं करती, वेयर क्या करती है, वेयर जो कंडीशन है वो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूज होती है, हर एक रिकॉर्ड पर वो चेक करती है, जबकि हैविंग कंडीशन क्या करती है, ग्रुप्स पर काम करती है, कि जब हमारे ग्रुप बनते हैं तो उन ग्रुप्स पर कंडीशन को अप्लाई करती है, कि 11th का कि क्या क्या चाहिए, कि ग्रुप की तो परसेंटेज निकल के आ गई, लेकिन कौन कौन से ग्रुप की चाहिए, 10th और 12th, लेकिन जबकि वेयर जो हमारी कंडीशन है वो हर एक रिकॉर्ड के लिए इंडिविजुअली चेक की जाएगी, यानी कि हर एक रिकॉर्ड पर वो इंडिविजुअली चेक होती है, जबकि हैविंग जो हमारी क्लॉज है, जो कंडीशन है हैविंग के साथ, जो हम कंडीशन देते हैं वो यूज होती है ग्रुप के साथ। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ग्रुप बाई के साथ आप यूज करेंगे हैविंग कंडीशन देने के लिए, और बाकी सबके साथ अगर कंडीशन हमें किसी भी इस फॉर्म में देनी है तो वहां हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं एक और आपको करके दिखाता हूं, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EDUCATOR एडुकेटर, ठीक है। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि अभी तो हमने किया किस पर, इंटीजर फॉर्म पे, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अभी मैं यहां पर डेटा फेच करना चाहता हूं, क्वालिफिकेशन के मैं ग्रुप बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट 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 फ्रॉम EDUCATOR एडुकेटर ग्रुप बाय GROUP ग्रुप बाय क्वालिफिकेशन QUALIFICATION क्वालिफिकेशन, तो ग्रुप बाय तो हमने क्वालिफिकेशन कर दिया, ठीक है, और दूसरी चीज हमें चाहिए हैविंग 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 क्वालिफिकेशन QUALIFICATION क्वालिफिकेशन इन, इन ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं इन MCA कॉमा कॉमा और
मान लेते हैं PhD, ठीक है, MCA एंड PhD, ये दोनों हमें चाहिए, ठीक है। नाउ हैविंग क्वालिफिकेशन हमने लगा दी, क्वालिफिकेशन में हमने MC और PhD लगा दी, तो हम क्वालिफिकेशन यहां पर करा देते हैं यूज, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन, और क्या करना है मुझे, काउंट करना है, ठीक है, काउंट करना है। अरे यार व्हाट इज मिस्टेक, ओ या आई फॉरगेट टू राइट कॉमा, या हाँ ओ सर काउंट काउट की लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक है। या गॉट इट, ये स्पेलिंग का बड़ा पंगा हो जाता है। या तो यू कैन सी MCA सिंगल स्टूडेंट, PhD टू स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, समझ में आ रहा है हैविंग क्लॉज का कंडीशन। अदरवाइज हैविंग क्लॉज नहीं लगाते तो ये सबका दिखाता, देखो हैविंग क्लॉज अगर हम नहीं लगाएं तो क्या करेगा, सबका दिखाएगा कि बीसी के इतने, लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, आई वॉन्ट सम बेस्ड ऑन सम कंडीशन। हैविंग क्लॉज हमने लगा दिया, हैविंग के बाद किसका चाहिए, आपने वो फील्ड का नाम दे दिया और अपनी स्पेसिफाई कर दी आपने कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन यूज ग्रुप बाय विद हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज विद हैविंग क्लॉज, एंड हाउ टू यूज एग्रीगेट फंक्शन विद ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करने के लिए एग्रीगेट फंक्शन कंपलसरी है, या मैं ये कह सकता हूं इंडिविजुअल भी आप ग्रुप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, और ग्रुप बाय के साथ अगर आप देना चाहते हैं कोई कमांड सॉरी कोई कंडीशन, तो उसके लिए आपको देनी पड़ेगी हैविंग क्लॉज। बाकी सबके साथ कंडीशन देने के लिए आप यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज। ग्रुप बाय के साथ मैंने आपको ऑर्डर बाय भी समझा दिया कि ऑर्डर बाय को हमें कैसे यूज करना है, अगर मुझे एक मैंने कर लिया लेकिन मुझे कि स्पेसिफिक ऑर्डर में मुझे चाहिए, है ना, तो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे देखो अगर यही है हमारा, तो ग्रुप बाय एक बार और, ऑर्डर बाय, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर बाय, और इस ऑर्डर बाय के बाद मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION, बस इतना ही करना है। अरे यार क्या हो गया, या सॉरी क्यू, व्हाट इज यू सिंटैक्स मैनुअल, you have an error, check the manual data correspondence, group by, group by में मैंने तो qualification लिखा ही नहीं, QUALIFICATION, ठीक है। अगर कभी रन ना करे तो समझ जाना कि यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, कॉमा नहीं आएगा, सॉरी You are doing some mistake, तो कहीं ना कहीं इस मैसेज को पढ़ना आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी। तो देखिए अभी यहाँ पर पहले देखो आ रहा था BCA MTech MCH, ऐसे ही आ रहा था, अब भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ऑर्डर बाय क्वालिफिकेशन एंड DESC, तो पहले PhD आ गया, MC आ गया, MTech आ गया, BCA आ गया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टूडे,